नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 29 मई 2018 से 3 जून 2018 तक की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और बैंक, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले हफ्ते जो करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, उसमें डेली संडे को, यानी कि हर संडे को टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 15 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। अगर आपने कम से कम 10 सही कर दीजिए, तो आप समझिएगा कि आप जो करंट अफेयर्स की मेरी जो वीडियो हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो एक बेल आइकन बनकर आएगा। इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते किए, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की इतिहास की किताबों में सुधार कर सकेंगे? पहला ऑप्शन से आपका म्यांमार, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका चीन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय वेट लिफ्टर के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ ने उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? पहला ऑप्शन से आपका मीराबाई चानू, दूसरा ऑप्शन से आपका दीपक लाठेर, तीसरा ऑप्शन से आपका सतीश कुमार और लास्ट ऑप्शन दोस्तों संजीता चानू। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, संजीता चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा 31 मई 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2018 तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर कितने प्रतिशत रही, जो नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद सर्वाधिक है? 7.2%, 7.7%, 6.7% और लास्ट ऑप्शन दोस्तों 4.7%। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है बी, 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोधकर्ताओं ने किस मानव अंग को 3D प्रिंट के जरिए विकसित किए जाने की घोषणा की? पहला ऑप्शन से आपका कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन से आपका मेरुरज्जू, तीसरा ऑप्शन से आपका अस्थि और लास्ट ऑप्शन दोस्तों मस्तिष्क। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय और नेपाल के सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के लिए किस नाम से उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन से आपका पराक्रम, दूसरा ऑप्शन से आपका ब्लैक पैंथर, तीसरा ऑप्शन से आपका सूर्य किरण और लास्ट ऑप्शन दोस्तों अश्वमेघ। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है सी, सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन से आपका यूएन पैसिफिक कमांड, दूसरा ऑप्शन से आपका यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, तीसरा ऑप्शन से आपका वर्ल्ड पैसिफिक कमांड और लास्ट ऑप्शन दोस्तों यूनाइटेड पैसिफिक कमांड ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है बी, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को कार्यालय खर्च के लिए प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन से आपका 1 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन से आपका 5 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन से आपका 10 लाख रुपए और लास्ट ऑप्शन दोस्तों 7 लाख रुपए। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच 2003 में हुए सीज फायर समझौते को पूरी तरह लागू करने पर सहमति बन गई है? पहला ऑप्शन से आपका जापान, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका पाकिस्तान और लास्ट ऑप्शन दोस्तों चीन। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस बैंक के साथ राजस्थान परियोजना के लिए
21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला ऑप्शन से आपका विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन से आपका भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन से आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश नाटो में शामिल होने वाला पहला देश बन गया? पहला ऑप्शन से आपका पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन से आपका फ्रांस, तीसरा ऑप्शन से आपका वेनेजुएला, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों कोलंबिया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? डी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान करने की एक नई अनूठी योजना पर काम कर रही है? पहला ऑप्शन से आपका तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन से आपका पंजाब, तीसरा ऑप्शन से आपका बिहार, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों झारखंड। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूली शिक्षा के समग्र विकास हेतु कौन सी योजना आरंभ की? पहला ऑप्शन से आपका ज्ञान, दूसरा ऑप्शन से आपका शिक्षा का महत्व, तीसरा ऑप्शन से आपका समग्र शिक्षा, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों समग्र ज्ञान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सी, समग्र शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टीम ने वर्ष 2018 का थॉमस कप बैडमिंटन खिताब जीता? पहला ऑप्शन से आपका भारत, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका चीन, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्म पाकीजा से मशहूर हुई निम्न में से किस दिग्गज अभिनेत्री का मुंबई में निधन हो गया? मीना कुमारी, गीता कपूर, सीता कपूर, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है? बी, गीता कपूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश में ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन से आपका जर्मनी, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका रूस, और लास्ट ऑप्शन दोस्तों अमेरिका। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, जर्मनी। तो दोस्तों ये थे आपके 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि पिछले हफ्ते मैंने कवर किए थे, आज टेस्ट लिया। अब जितने भी स्टूडेंट, चाहे आपके 5 नंबर हों, चाहे 10 सही हों, चाहे पूरे 15 सही हों, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, मैं वहां पर आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, और इन क्वेश्चन के साथ जो आंसर दिए होंगे उनमें पूरे आंसर का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।